हरे कृष्णा ओम अज्ञान थिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकाय चक्षुरुन् मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छा कतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सति गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का हमारा क्लास का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अमेजिंग लॉ ऑफ कर्म। तो हम लोग हमेशा अक्सर भगवान से भी ये शिकायत करते हैं कि हमने कभी किसी के कुछ बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ क्यों बुरा हो रहा है। हमारे सामने जो लोग गलत करते हैं, गलत तरीके से पैसे कमाते हैं, या फिर जो बहुत किसी की लोगों की बुराइयां भी करते हैं, गलत गलत काम करते हैं, उनके साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा होता, लेकिन हमारे साथ हम सबका भला कर रहे होते हैं, तभी हमारे साथ बुरा हो रहा होता है। ये क्वेश्चन हम सबके मन में कभी ना कभी तो जरूर आया होगा कि आखिर भगवान ऐसे पार्शियलिटी क्यों कर रहे हैं, मतलब अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों हो रहा है, ये ऐसे क्यों होता है, ये क्यों होता है, इसका ही जवाब आज हम ढूंढेंगे। जैसे भगवान ने हमारे साथ इतना बुरा क्यों किया, लेकिन कभी हमने ये सोचा है कि क्या सच में भगवान हमारे साथ ये सब कर रहे हैं, क्या हर सुख और हर दुख जो भी जो दुख हमें मिल रहा है, जो सुख दूसरों को मिल रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार, भगवान जिम्मेदार है, इज ही रिस्पॉन्सिबल? तो आंसर है नो। तो फिर वो कौन है जो इस सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो इसका जवाब है लॉ ऑफ कर्मा, यानी कि हम जो भोग रहे हैं उसके लिए हम लोग खुद रिस्पॉन्सिबल है। हम क्या देखते हैं कि कोई बहुत रिच होता है तो कोई बहुत पुअर होता है, इक्वल ही नहीं होते सब। भगवान ने ये दुनिया बनाई है तो सबको इक्वली रिच बनाना चाहिए था, सबको इक्वली सब कुछ देना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम क्या देखते हैं कि लोग कहीं पे बहुत रिच है तो कहीं पे बहुत पुअर है, कहीं पे बहुत ताकतवर है तो कहीं पे बहुत ही कमजोर है, कहीं किसी के पास तो बहुत ज्यादा खाने का सब कुछ है और कहीं पे कोई कुपोषित है, किसी के पास सड़क पर पड़ा बच्चा एकदम हड्डी स्केलेटन जैसा दिखाई देता है, मतलब उसके पास कुछ नहीं है खाने को, और कहीं बड़े बड़े घरों में लोग अनाज फेंक देते हैं, इतना एक्स्ट्रा होता है उनके पास। तो किसी के पास अच्छी शिक्षा है, प्लीज एडमिट कर लो, किसी के पास अच्छी शिक्षा है और किसी की बेसिक जरूरत भी नहीं पूरी होती, किसी के पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं होते हैं, और किसी को कुछ अनपढ़ गवा दे जाते हैं लोग। कभी कभी क्या होता है, हम क्या देखते हैं कि दो बच्चे एक ही दिन जन्म लेते हैं, एक ही समय पर जन्म लेते हैं, और अगर हम एस्ट्रोलॉजी से देखें तो एक समय पर जन्म लेने वाले दो बच्चों की किस्मत बिल्कुल एक सी होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। दो बच्चे एक ही समय पर जन्म लेने के बाद भी क्या होता है, दोनों की किस्मत अलग होती है, कोई किसी के साथ बहुत अच्छा हो रहा होता है और किसी के साथ बहुत बुरा हो रहा है, यानी समय भी कुछ नहीं कर सकता। हम ये आखिर है क्या चीज जो एक समय पैदा होने पर एस्ट्रोलॉजी भी सेम दिखने पर भी दो लोगों की किस्मत टोटली कंप्लीटली अलग है। हम बार बार यही सोचते हैं कि भगवान जी ऐसा क्यों करते हैं, वो पार्शियल क्यों है, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ये है हमारा लॉ ऑफ कर्मा जो हम सब पर वर्क कर रहे हैं। जैसे भगवान कृष्ण गीता में क्या बोलते हैं, नाम हम कर्मानि विपत्ति, यानी कोई भी कर्म मुझे अफेक्ट नहीं करता, ना मैं कर्म फले प्रिया, यानी ना तो मैं किसी कर्म के फल की इच्छा करता हूँ, मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जैसे एक राजा है, अपने राज्य के हर नियम और लॉ से ऊपर होता है, ठीक उसी तरह भगवान भी इस दुनिया के क्रिएटर हैं और वो इस भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होते, उन पर कोई भी कर्म का असर नहीं होता, क्योंकि वो कर्म बंधन या कर्मों के लॉ से ऊपर होते हैं। लेकिन जो मनुष्य होता है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्यों? क्योंकि हम सब ने जब हम भगवान जी के पास थे, गोलोक में थे, कृष्ण के पास थे, तो हमारे मन में भी ऐसी इच्छा हुई कि इस तरह एंजॉय करें। जैसे हम हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं,
तो जब वो हमें कुकिंग करते हुए देखते हैं तो वो हमारे सामने जिद करते हैं कि हमें भी कुकिंग करना है, हमें भी घर घर खेलना है। तो क्या करते हैं बच्चों को, हम क्या करते हैं खिलौने दे देते हैं, खेलने वाले कुकटॉप दे देते हैं, स्टोव दे देते हैं, बर्तन दे देते हैं, वो सारे टॉयज वाले होते हैं। और हम उनको बहलाने, उनको खुश करने के लिए वो सब चीज दे देते हैं ताकि वो भी अपनी इच्छा पूरी कर सके। वो क्या बन जाते हैं, मम्मी बन जाते हैं, पापा बन जाते हैं, और वो घर को ऐसे खेलते हैं। और फिर जब खेलते खेलते थक जाते हैं और उनके पास सब कुछ होता है, उनके पास गैस होता है, कुकटॉप होता है, उसके पास खाना बनाने के बर्तन होते हैं, लेकिन वो सब टॉय है। तो वो जब भूख से तरफ जब उनसे भूख लगती है तब कहाँ जाते हैं, माँ के पास आते हैं। तो इसी तरह हमने भगवान से रिबेल किया, हमने क्या किया, हम भगवान को भूल गए। हमने सोचा कि जैसे भगवान जी इंजॉय कर रहे हमें भी वैसे इंजॉय करना चाहिए। लेकिन ये चीज गोलोक में नहीं हो सकती। गोलोक में कौन है, कृष्ण है, और कृष्ण के सामने सब हम लोग क्या है, उनके सर्वेंट है। तो भगवान ने सोचा कि ये मेरे बच्चे, जैसे हम छोटे बच्चों के दिल बहलाने के लिए उनको खिलौने दे देते हैं खेलने के लिए, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए, तो भगवान जी ने भी हमारी इच्छा पूरी करने के लिए हमें इस संसार में भेज दिया। ये पूरा संसार, इसको क्या बोलते हैं, दुर्ग बोलते हैं। दुर्ग यानी किला। किला पहले जमाने में जो किला होता था वो होता था जेल के जैसा होता था, क्योंकि उसके चारों तरफ समुंदर होता था जिससे कैदी वहां से निकलकर भाग ना सके। तो इसी तरह ये जो संसार है, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है जहाँ पे अभी हम लोग रह रहे हैं, ये एक जेल है और इसको बोलते हैं दुर्ग। और इस दुर्ग का जो जेलर है, जो इसकी पूरी देखभाल करती है, जो इसको पूरा संभालती है, वो है दुर्गा देवी। तो दुर्गा देवी जो है वो इस पूरे दुर्ग की जेलर है। और हम सब क्यों आए हैं यहाँ पे, जैसे हम छोटे बच्चों को सुधारने की कोशिश करते हैं, उन्हें सजा देते हैं, ठीक उसी तरह, क्योंकि हमने भगवान की इच्छा के विरुद्ध जाकर उनकी तरह बनने की कोशिश की। हम उनके पास बहुत सुखी थे, बहुत खुश थे, वहां कोई दुख नहीं था, कोई तकलीफ नहीं थी, सब कुछ अच्छा था, फिर भी हमारे मन में ईर्ष्या जगी। हमें लगा कि हमें भगवान जी के जैसे बनना चाहिए, हमें उनकी तरह इंजॉय करना चाहिए। तो भगवान ने हमारी इच्छा पूरी करने के लिए हमें दुर्गा देवी के पास भेज दिया। और ये दुर्गा देवी हमें सुधारने के लिए इस जेल में रखती है। हमें यहाँ सजा देने के लिए नहीं भेजा गया है, हमें यहाँ सुधारने के लिए भेजा गया है, ताकि जब जैसे वो बच्चा थक जाता है खेलते खेलते और जब उसे भूख लगती है तो उसे माँ की याद आती है, क्योंकि उसका जो नकली टॉय वाला कुकटॉप है और जो बर्तन है वो उसे खाना नहीं बना के दे सकते, असली खाना उसे कहाँ मिलता है, अपनी माँ के पास। इसी तरह जब हम इस संसार से थक जाते हैं और हमें जब प्रेम नहीं मिलता किसी से, हम जो चाहते वो हमें नहीं मिलता, एक प्रेम ही एक ऐसा बॉन्डिंग है जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़ता है, और उसे ही खुशी और वो प्रेम को पाने की कोशिश में हम लोग इस संसार में बहुत कुछ करते हैं। और जब वो प्रेम हमें संसार में कहीं भी नहीं मिलता, इनफैक्ट हस्बैंड वाइफ हो या दो लवर्स हो, उनके बीच भी एक दूसरे को वो कम्प्लीटली एक दूसरे को नहीं दे पाते, क्योंकि वो प्रेम में कहीं ना कहीं स्वार्थ होता है। इस संसार में कैसा प्रेम है, सामने वाले से कुछ पाने की इच्छा रखते हैं तो हम उससे प्रेम करते हैं, अगर वो हमारी इच्छा नहीं पूरी कर सकता तो प्रेम खत्म हो जाता है। तो यहाँ हमें वो सुख, हमारी आत्मा को वो सुकून नहीं मिलता, हमें नहीं लम्हे हर पल ये अंदर एहसास होता है कि हमें कोई पूरी तरह से प्रेम नहीं करता, और वो सेटिस्फेक्शन हमें इस संसार में कहीं भी नहीं मिलता, कोई भी चीज से हमें सुख नहीं महसूस करते, सुकून नहीं मिलता, तब हमें भगवान की याद आती है। तो यही हमारा सुधरने का तरीका है कि जब हमें इस संसार से, जब हम थक जाते हैं, जब मन के थे खा खा के हर सुख में, जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा कि हमारा हर सुख के साथ कोई ना कोई दुख जरूर आता है, ये इस संसार का नियम है, क्योंकि भगवान ने इस संसार को क्या बोला है, दुखालयम। तो इस दुखालयम में दुख आएगा ही आएगा। हम भगवान ने अगर इस संसार को दुखालयम बोला है तो हम हजार कोशिश कर ले सुख पाने की, कोई भी मटेरियल चीज हमें सुख नहीं दे सकती। तो इसीलिए जब हम थक जाते हैं, हार जाते हैं इस संसार लड़ते लड़ते सुख को पाने के, प्रेम को पाने के,
तब हमें क्या आती है, भगवान जी की याद। जैसे उस बच्चे को भूख लगने पर की याद आती है, वैसे हमें जब हम थक जाते हैं, जब हमें दुख के थपोड़े के नीचे हम दब जाते हैं, तब हमें लगता है, तब हमें किसकी याद आती है, भगवान जी की याद आती है। तो इसीलिए इस जेल में भगवान ने हमें सुधरने के लिए भेजा है, ताकि जब हम थक जाए संसार से, तब हमें अपनी गलती का एहसास हो और तब हमें रियलाइज हो कि जहाँ हम पहले थे वो जगह ज्यादा अच्छी थी, वहां पे कोई दुख तकलीफ नहीं था, वहां पे भगवान थे जो हमें इक्वली प्रेम करते थे और उनके प्रेम में कभी कोई कमी नहीं होती थी, कोई स्वार्थ नहीं होता था, अनकंडीशनल लव होता था। तो अब हम जानते हैं कि ये लॉ ऑफ कर्मा कैसे वर्क करता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं धृतराष्ट्र का। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र क्यों खोए, उसने बहुत सोचा लेकिन उसे उसका जवाब नहीं मिला। उसने सोचा कि मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया था कि भगवान उसके 100 पुत्रों को एक साथ मृत्यु दे दें, उसके सारे 100 पुत्र एक ही कुरुक्षेत्र के वॉर में एक साथ मर गए। कैसे, मतलब कोई भी माता पिता ये सोचेगा कि आखिर मेरे 100 के 100 पुत्र क्यों मर गए एक साथ, ऐसा मैंने क्या कर्म किया था जिसके कारण मेरे 100 पुत्र हुए भी, मेरे पास 100 पुत्र थे और एक बार में ही सब खत्म हो गए। तो उसने कृष्ण को पूछा कि कृष्ण ने उन्हें दिव्य दृष्टि दी, क्या दी, कि ताकि वो अपने पास्ट लाइफ को देख सके कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया था जिसके कारण उन्हें 100 पुत्र प्राप्त हुए और वो 100 पुत्र एक बार में ही खत्म हो गए, तो वो अपने पूर्व जन्म को देख पाए। तो उन्होंने एक एक करके धृतराष्ट्र ने अपने 50वें जन्म देख लिए। 50वें जन्म देखने के बाद, क्योंकि 49 तक उन्हें ऐसा कोई कर्म नहीं दिखाई जिससे जो बुरा था, उसने कोई बुरा कर्म नहीं किया था, पीछे पीछे जाते जाते 49 तक वो पहुंच गया, फिर कुछ भी बुरा नहीं दिखा। फिर उसने 50वें पूर्व जन्म में उसने देखा कि एक बार एक कारी एक शिकार के समय, मतलब कि वो एक राजा था, वो एक बार शिकार करने गया, तो उसने क्या देखा कि ने पंछियों के झुंड जली हुई जो जल होता है पंछियों को, उसको जलाकर पंछियों के ऊपर लिख दिया उसने, जिससे कि 100 पंछी वो सारे के सारे 100 पंछी मर गए और कुछ 2 पंछी उड़ गए और आग की गर्मी से उन दोनों पंछियों के आंख चले गए, अंधे हो गए वो दोनों पंछी। तो जिसके कारण वो इस जन्म में अंधा हो गया, क्योंकि वो जो 2 पंछी आग की गर्मी से अंधे हो गए थे, इस कारण धृतराष्ट्र इस 50 जन्म के बाद अंधा हो गया। तो उसने कृष्ण को पूछा कि इतना डिले क्यों, मुझे मैंने इतने बुरे कर्म किए थे उस वक्त, तो मुझे 50 जन्मों तक क्यों वेट करना पड़ा। तो कृष्ण ने क्या बोला उनको कि आपने जो 50 जन्म लगाए हैं, वो 50 जन्मों में जो आपने पुण्य किया, पुण्य कमाया है, उस कारण आपको 100 पुत्रों का 100 पुत्र प्राप्त हुए। उसने जो 50 जन्म जिए अच्छे कर्म करके, उसके कारण उसको 100 पुत्र प्राप्त हुए और उसका जो कर्म फल था, उसने 100 पंछियों को मारा था जलते हुए अग्नि में, एक साथ 100 पंछियों को मार दिया था, और उसके लिए उसको वो जो 100 पंछी थे और जो 2 पंछी अंधे हो गए थे, वो 2 पंछी माता पिता थे और जो 100 पंछी थे वो उन दोनों माता पिता के बच्चे थे, तो इसे भी वही तकलीफ वही दर्द झेलना था, इसलिए उसे 50 जन्म पहले पुण्य कमाने पड़े ताकि उसके 100 पुत्र हो सके, और जब 100 पुत्र हो गए तब उसे, क्योंकि वो अंधे होने का फल उसे प्राप्त हुआ, और जब उसे वो फल प्राप्त हुआ तो तब उसे 100 पुत्र के खोने का भी दर्द प्राप्त हुआ। तो हर कर्म जो उसने किया उसका फल उसे एग्जैक्टली उसी तरह मिला जिस तरह उसने कर्म किए थे, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। उसके माँ उसने उनके माता पिता को अंधा कर दिया, तो यहाँ पर वो खुद और उसकी वाइफ ने एक अंधे का जीवन जिया, और वो 100 पुत्र प्राप्त करने के लिए उसे 50 जन्म लगे और 50 जन्मों के बाद जाकर उसे उसका फल प्राप्त हुआ। तो यही हम सबके साथ भी हो रहा है। भगवान जी एक सुप्रीम जज की तरह है, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। जैसे जो किसी को कभी कड़ी मेहनत की सजा सुना भी देते हैं, तो किसी को कंपनसेशन भी देते हैं, बिल्कुल एक जज की तरह।
जिस तरह एक सामान्य जज भी पार्शियल नहीं होता है, उसी तरह भगवान भी किसी के साथ पार्शियल नहीं होते हैं। भगवान भी भगवद्गीता में खुद बोलते हैं कि समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिया ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। यानी भगवान सबके साथ समान है, ना वो किसी से द्वेष करते हैं, ना वो कोई को एक्स्ट्रा प्रिय है। जो उनका भजन करता है वो उनका भक्त है और वो उसको ज्यादा ध्यान देते हैं। जैसे बारिश जब होती है तब वो सब जगह बरसती है, चाहे वो पत्थर पर हो, रॉक पर हो या उपजाऊ जमीन पर हो। लेकिन विदाउट पार्शल जी बरसात का काम है बरसना, वो बरस गया, चाहे वो कहीं भी बरसे, चाहे वो पहाड़ पे बरसे, चाहे वो पत्थर पे बरसे या कहीं उपजाऊ जमीन पर बरसे। लेकिन जहां पर उपजाऊ जमीन होती है वहां पर अच्छी खेती होती है और पत्थर पर कुछ नहीं होता। इसी तरह तो आपके हृदय में प्रभु के लिए प्रेम होना चाहिए। जैसे हमारा अंदर अगर प्रेम हो तो वो हमारा हृदय कैसा है, वो उस उपजाऊ जमीन की तरह है जिसके बदले में हमें भगवान का रिवॉर्ड मिलता है। जैसे अच्छी बारिश से अच्छी खेती होती है। भगवान तो इतने अच्छे हैं कि वो किसी जीवात्मक के साथ भी नहीं छोड़ते। जैसे हमने पढ़ा था फर्स्ट क्लास में ही, हमने ये जाना था कि भगवान हमारे हृदय में रहते हैं, हमारी आत्मा हमारे हृदय में रहती है, उसके साथ परमात्मा भी रहते हैं। वो चाहे ये जो हमने 84 लाख योनियों के स्पेसिस से हम गुजर के आ रहे हैं, इसमें हमने जितनी बार जन्म लिया, जितनी भी बार जन्म लिया, परमात्मा के रूप में कृष्ण हमेशा हमारे हृदय में थे, हमारे साथ थे। उन्होंने एक क्षण के लिए भी हमें अकेला नहीं छोड़ा। इसलिए हम कभी भी ये नहीं बोल सकते कि भगवान जी पार्शियल है या वो हमारा ध्यान नहीं, मतलब एक वही थे जो हमारे साथ हर जन्म में हमारे साथ थे। चाहे हम कुछ भी बने हो, गटर के कीड़े भी क्यों ना बने हो, उन्हें उससे भी घिन नहीं, वो तब भी हमारे साथ थे। उनका इतना मर्सीफुल है कृष्णा, इतने मर्सीफुल है कि वो किसी भी हालत में, किसी भी जीव में हम बने हो तब भी उन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा। तो इतने अच्छे हैं कृष्ण कि वो किसी का साथ नहीं छोड़ते। बट ये हमारी सोच है कि हम भगवान को भूल गए, कृष्ण भूलिया जीवा भोग वांछा करे, हमने भोग की वांछा की कृष्ण को भूल के, इसलिए माया ने हमें फंसाकर इस दुर्ग रूपी जेल में कैद कर रखा है। वो परमात्मा बन के हमारी हर कर्म के साक्षी बन रहे हैं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब के साक्षी बन के वो हमारे हृदय में है। तो भगवान के भगवद गीता में के चैप्टर 18 के 61 श्लोक में भगवान स्वयं बोलते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयस्य अर्जन्ते स्थिति ब्राह्म यान सर्वभूतानि यंत्र रुदानी माया। मतलब कि ये शरीर एक यंत्र के रूप में है और ईश्वर हम सब के हृदय में स्थित है और वो हमारे सारे एक्टिविटी को साक्षी कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो लॉ ऑफ कर्मा को हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से डिफाइन कर सकते हैं, जो हम लोग ने स्कूल में पढ़ा था कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। स्कूल में हमें कैसे सिखाया था कि जब हम बॉल फेंकते हैं दीवार पर तो वो बॉल वापस उसी फोर्स के साथ हमारे पास वापस आती है। ठीक इसी तरह जो भी कर्म हम करते हैं वो इक्वली उतना ही उसी तरह वापस आता है। बस कर्म के मामले में डिफरेंस ये है कि वो इंस्टेंटली बॉल की तरह वापस नहीं आता। कभी कभी कर्म कैसे होता है, राई के दाने जैसा होता है। जैसे हम राई के दाने को जमीन पर डाल दें तो दूसरे दिन ही उसमें पत्ते आ जाते हैं, वो उसके अंकुर निकल जाते हैं। लेकिन अगर हम नारियल का पेड़ जमीन में बोएंगे तो उसको होने में 15-20 साल लगेंगे फल देने में। तो इसी तरह होता है कि कुछ कर्म राई के दाने समान होते हैं, तुरंत फल दे देते हैं, और कुछ कर्म नारियल के पेड़ की तरह होते हैं जो 15-20 साल लग जाते हैं फलने में। तो एग्जैक्टली लॉ ऑफ मोशन की तरह नहीं है ये डेफिनेशन, लेकिन हम इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब हमारा कोई भी कर्म बेकार नहीं जाएगा, चाहे हमने कुछ भी किया हो उसका फल आएगा ही आएगा। हम जो बोएंगे वो जरूर काटेंगे। तो हमने कितने लाख योनियों में ट्रेवल किया है, 84 लाख योनियों में, जिसका हमने अभी श्लोक भी हमारे ग्रुप में किया था। तो इतने ट्रेवलिंग करने के बाद
हम एक बात हमें समझना होगा कि जब तक हम पशु योनि में होते हैं या स्थावर यानी पेड़ पौधे के योनि में होते हैं, तब हमारा कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं होता। जब हम ह्यूमन बॉडी में आते हैं, जब हम मनुष्य देह प्राप्त करते हैं, तब जाके कर्म का साइकिल हमारे ऊपर, कर्म का जो लॉ है वो हमारे ऊपर इंप्लीमेंट होना शुरू होता है। जब तक हम पशु योनि में हैं या पक्षी योनि में है या स्थावर में है या पेड़ पौधों की योनि में है, इन सब में से किसी में भी लॉ कर्मा एक्टिवेट नहीं होता है। लॉ ऑफ कर्मा का रूल तब होता है जब हम डेवलप्ड कॉन्शियसनेस वाले बॉडी में है, और ह्यूमन बीइंग इज द ओनली बॉडी, ये हमारा ह्यूमन बॉडी है, वो ही अकेला ऐसा बॉडी है जो बहुत ही डेवलप्ड कॉन्शियस है, यानी जो बहुत इंटेलिजेंट बॉडी है। यहाँ पे हम सोच समझ सकते हैं। इसलिए जब लॉ ऑफ कर्मा जो इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होता है हमारे ऊपर, जो कर्म का फल का जो स्टार्ट होता है लॉ, वो तब स्टार्ट होता है जब हम ह्यूमन बॉडी में आते हैं। तो इस तरह बहुत सारे कॉन्शियसनेस से गुजरने के बाद, बहुत सारी इच्छाओं को पूरा करने के बाद, तब जाके हमें एक ह्यूमन बॉडी मिली है, और यहाँ से हमारा कर्म बंधन शुरू हो जाता है, कर्म फल भुगतना, कर्म बनना शुरू हो जाता है और उसका फल प्राप्त होना शुरू हो जाता है। तो अब हम जानते हैं कि यहाँ पर दो तरह के कर्म है, एक तो अच्छा कर्म, दूसरा बुरा कर्म। तो हम लोग नॉर्मली क्या सोचते हैं कि जो बुरा कर्म है, वो बुरा कर्म करने के बाद हमें सब, हम सबको पता है बुरा कर्म का बुरा फल होता है। तो बुरा कर्म का फल क्या है? पॉइजन, हमें नर्क मिलेगा, हम नर्क जाएंगे, ये तो हम सब जानते हैं। पर क्या आप लोग को पता है अच्छे कर्मों का क्या फल होता है? अच्छे कर्म का फल होता है स्वीट पॉइजन, शुगर कोटेड पॉइजन। यानी जैसे ये भी अच्छा कर्म भी कैसे पॉइजन है, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अच्छा कर्म कैसे पॉइजन हो गया, किसी के लिए हॉस्पिटल बनाना कैसे पॉइजन हो गया, किसी को चैरिटी करना कैसे पॉइजन हो गया, किसी के लिए माता पिता की सेवा करना पॉइजन हो गया, समाज सेवा करना पॉइजन हो गया। अब आप सोच रहे होंगे ना ये कैसे पॉइजन हो गया। अगर हम बैड कर्मा कर रहे हैं, हम मील कीपिंग कर रहे हैं, हम गैमलिंग कर रहे हैं, हम गलत काम कर रहे हैं, ये जो चार पिलर ऑफ बैड कर्मा है वो है मील कीपिंग, गैमलिंग, इलिसिट सेक्स और इंटॉक्सिकेशन। तो नशा करना, विवाह के बाहर गलत रिलेशनशिप रखना, जुआ खेलना और मील कीपिंग, ये तो बुरे कर्म आ ही रहे हैं। पहले हम बुरे कर्म को देख लेते हैं, फिर हम बताते हैं कि अच्छे कर्म क्यों पॉइजन है। तो बुरे कर्मों में पहले आता है मीट ईटिंग। मीट ईटिंग हम क्या कर रहे हैं? हम जीव हत्या कर रहे हैं। जैसे हम उनको खा रहे हैं, वो भी हमें खाएंगे अगले जन्म में। जैसे ऋतराज ने उन पंछियों को के साथ जो किया, वो चाहे 50 जन्म लग गए लेकिन वो उसी तरह उसी रूप में उसके पास वापस आया। तो जब हम जीव हत्या करके उनको खाते हैं, अपने पेट को क्या बनाते हैं? शमशान भूमि बनाते हैं। बिकॉज हम चलते फिरते शमशान भूमि बन जाते हैं जब हम नॉनवेज खाते हैं। तो वी आर लाइक ग्रेवयार्ड, हमारे पेट में हम उसको ग्रेवयार्ड बना रहे हैं, उसमें मुर्दे मुर्दों को डाल रहे हैं। तो ये हमें फल देगा, हमें नर्क तो मिलेगा ही मिलेगा नेक्स्ट बर्थ में, जिससे जिसको हमने खाया है उतने उतने जन्म भी लेने होंगे और वो भी हमें उसी तरह फ्राई करके खाएंगे। तो सेकेंड होता है गैमलिंग। गैमलिंग हम लोग हमेशा सोचते हैं कि वो जो गैमलिंग है उससे हम पैसे कमाते हैं, पर कभी ध्यान से दिमाग से सोचो गैमलिंग क्या होता है। कोई तो गैमलिंग का बिजनेस इसलिए थोड़ी ना खोल के बैठा है कि वो अपना नुकसान करे और दुनिया को पैसे बांटे। वो कोई समाज सेवा करने बैठा है, उसको पैसे मिल रहे हैं, उसको प्रॉफिट हो रहा है, तभी वो गैमलिंग का बिजनेस कर रहा है। तो जो लोग गैमलिंग के इसमें पड़ जाते हैं, वो भी किसी नशे की तरह, नशे से कम नहीं होता, सारा समय सारा दिमाग उसी में लगा रहता है। तो ऐसी बुद्धि से भक्ति नहीं हो पाती क्योंकि उसका सारा समय उस चीज में लगा रहता है, गलत तरीके से पैसे को इजी तरीके से कमाने का। फिर इलेसिट रिलेशनशिप तो हम सब जानते हैं कि गलत है। विवाह के बाहर जो गलत रिश्ते बनाते हैं वो तो गलत होते ही हैं, उससे तो आपका विवाह भी टूटता है और आप गलत कर्मों के कारण नर्क भी भुगतते हैं। इंटॉक्सिकेशन, नशे की चीजों को करने के बाद, इवन चाय पीने के बाद, कॉफी पीने के बाद भी हम लोग, जैसे अगर किसी दिन हमें सुबह चाय नहीं मिली
तो क्या बोलते हैं कि स्वर्ग मतलब मन कहीं नहीं लग रहा, न्यूज पेपर तक पढ़ना का मन नहीं करता है, या कोई भी काम करने की इच्छा नहीं होती, ऐसा लगता है कि एक कप चाय मिल जाए तो ये हो जाए। ये क्यों फीलिंग आती है? बिकॉज ये भी एक नशा है, कॉफी भी एक नशा है, सिर्फ मतलब लिकर या अल्कोहल यही नशा नहीं है, ड्रग यही नशा नहीं है, इवन कॉफी टी और यहाँ तक कि जो चॉकलेट होता है उसमें भी माइल्ड नशा है, उससे भी नशा होता है। तो ये सारी चीजों के ना मिलने पर हम उसको इन्हें क्रेविंग आती है हमारे अंदर। तो ऐसी चीजें नशा है क्योंकि ये हमें कॉन्सेंट्रेट नहीं करने देती है भक्ति के ऊपर। तो ये जो चार चीज मैंने बोले हैं, नीति तीन, गैमलिंग, इलिसिट सेक्स और इंटॉक्सिकेशन, इसको बोलते हैं फोर पिलर्स ऑफ बैड कर्म। तो ये सब करने के बाद तो हमें पक्का नर्क तो मिलेगा एंड इज अ लाइफ पॉइजन। अब हम आते हैं गुड कर्मा पे। व्हाट वी से गुड कर्मा क्या है? गुड कर्मा आर द शुगर कोटेड पॉइजन। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग हॉस्पिटल बनाते हैं, चैरिटी करते हैं, समाज सेवा करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? हमें अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है। हम कहाँ जाते हैं, कभी कभी हम स्वर्ग पे पहुंच जाते हैं, या कभी हम बड़े अच्छे घर में जन्म लेते हैं, या किसी फिल्म स्टार के यहाँ आपने जन्म ले लिया क्योंकि आपने बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए। फिर जब आपके पास बहुत ऐश्वर्य होता है, बहुत धन होता है, तो आपका जिसके पास ज्यादा धन होता है उसका मन तो भक्ति में नहीं लगता, वो तो गलत चीजों में जाएगा, वो भी टीचिंग गैमलिंग इसमें जाएगा, तो वो बुरे कर्म करता है। और जब वो बुरे कर्म करता है तब क्या होता है, वो वापस इसी धरती पर आता है और उस बुरे कर्मों का फल भुगतता है। तो ये हो गया कि कैसे अच्छे कर्म के बदले अच्छा फल तो मिला, लेकिन बाद में जब उसके अच्छे कर्म खत्म हो गए तो वापस वो धरती पर आ गया, उसे धरती से मुक्ति नहीं मिली, वो वापस इस धरती के चक्र में फंस गया, वापस उसको वो शरीर मिला और वापस वो अपने बुरे कर्मों का फल भोगेगा। तो इस तरह हमें अच्छे बुरे कर्मों के कारण तो बुरा फल मिलता ही है, अच्छे कर्मों के कारण भी थोड़ा डिले होकर वही फल मिलता है, यानी फिर से हमें वही पॉइजन रूपी नर्क रूपी जिंदगी मिलती है। इसलिए चाहे हम अच्छे कर्म करें तो अच्छे कर्मों का फल मिलेगा, बुरे कर्म करें तो बुरे कर्मों का फल मिलेगा, फल दोनों में मिलेगा और ये शरीर भी मिलेगा। बार बार जन्म लेंगे हम अच्छे कर्मों को, जैसे हमने किसी को लोन दे दिया, अब वो हम मर गए, हमारा लोन उसने नहीं वापस किया, तो अब उस लोन को लेने के लिए हमें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, हमें जन्म से मुक्ति नहीं मिलेगी अगर अच्छे कर्म करेंगे तो। यानी कि हमने अच्छा कर्म किया तो अब हमें अच्छे कर्मों का फल भुगतने के लिए भी इस धरती पे आना पड़ेगा, चाहे हम स्वर्ग में जाए, स्वर्ग भी मटेरियल वर्ल्ड में आता है, देवी देवता भी मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं, भले उनका प्रोलॉन्ग लाइफ है, यानी उनकी उनका जीवन लंबा होगा, लेकिन वो भी मरेंगे। यहाँ तक कि ब्रह्मा के जीवन भी खत्म होता है 100 साल के बाद, ब्रह्मा के 100 साल के बाद, क्योंकि वो उनका 100 साल बहुत लंबा होता है। तो भले देवी देवताओं का जीवन बहुत लंबा हो किंतु वो भी खत्म होने वाला है, बिकॉज वो भी मटेरियल वर्ल्ड के पार्ट हैं। और वो क्या होते हैं, देवी देवता क्या होते हैं, वो उनको भगवान जी ने एक एक डिपार्टमेंट दे दिया है, एक किसी को शिक्षा का डिपार्टमेंट दे दिया है, सन को लाइट का डिपार्टमेंट दे रखा है, मून क्या करता है, वो जूस भरता है वेजिटेबल्स में उसकी अपनी रोशनी से। तो इस तरह हर किसी के पास अपना अपना एक डिपार्टमेंट है जिससे ये पूरा यूनिवर्स चल रहा है, तो ये काम होता है देवी देवता का। तो इसी तरह सब देवी देवता भी खत्म होने वाले हैं, ये संसार भी खत्म होने वाला है, स्वर्ग भी बहुत टेम्पररी है, स्वर्ग में भी हमेशा के लिए नहीं रह सकते। तो जैसे अच्छा कर्म खत्म होता है हम वापस धरती पर आते हैं और अपने बुरे कर्मों को भोगते हैं, और जब तक हमारा अच्छा अच्छे कर्मों का भी फल हम नहीं भोग लेते तब तक हम उसे भी भोगते हैं और जो बुरे कर्म किए उसे भी भोगते हैं। जैसे अब बोलते हैं कि लाइफ में जो है कुछ चीजें फिक्स हैं, वो क्या है, सुख और दुख, जन्म होगा तो मृत्यु भी आएगी, और यश होगा तो अपयश भी होगा। तो ये सुख दुख जन्म मृत्यु यश अपयश ये हमारी डेस्टिनी में फिक्स है, यानी ये होगा ही होगा, ये हमारे जीवन में कंप्लीटली फिक्स है। हमारे पास एक चीज जैसे प्रारब्ध होता है, प्रारब्ध हम क्या बोलते हैं कि ये हमारी डेस्टिनी है। अब ये प्रारब्ध क्या है, ये प्रारब्ध जो कर्म हमने किए थे पिछले जन्म में उसका फल हम इस जन्म में भोगते हैं,
जैसे हम जन्म लेते हैं उसके साथ ही प्रारब्ध स्टार्ट हो जाता है। तो प्रारब्ध में जो लिखा है वो होगा, लेकिन इसके साथ हमारे पास एक फ्री विल है, मतलब हम उसको जैसे हमारे किस्मत में लिखा है कि हमारा एक्सीडेंट होगा, तो हमारा एक्सीडेंट हो गया, लेकिन हम उस एक्सीडेंट के बाद उस सिचुएशन को कैसे डील करते हैं ये हमारा फ्री विल होता है। जैसे अगर कोई बंदा उसका जैसे किसी का ब्रेकअप हो गया, तो वो ब्रेकअप होने के बाद वो उस सिचुएशन से कैसे डील करता है ये उसका फ्री विल है। यानी या तो वो अपने आप को ड्रग एडिक्शन में डाल दे, वो नशे में डूब जाए, ये उसका फ्री विल है। उसका ब्रेकअप होगा ये उसका प्रारब्ध था, वो उसने अपने आप को नशे में डुबा लिया, ये उसका फ्री विल है। और अगर वो चाहे तो वो ये सोच सकता है कि ये संसार में कुछ नहीं रखा है, मुझे भगवान की तरफ जाना चाहिए, मुझे भक्त बनना चाहिए, मुझे भक्ति करनी चाहिए, ये भी उसका फ्री विल है। यानी उसके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो नशे में डूब सकता है, या तो वो भगवान जी के पास जा सकता है, या तो वो भगवद गीता पढ़ सकता है। यानी उसके पास दो ऑप्शन थे, वो फ्री विल उसके पास था कि वो उस सिचुएशन से कैसे डील करता है। तो अगर हमारे पास ये सिचुएशन हो, हमारे पास ये फ्री विल भगवान ने दिया है, हमारी इच्छा दी है कि हम हमारे सिचुएशन के साथ कैसे डील करते हैं। प्रारब्ध के कारण जो हमारे साथ होना है वो होगा, लेकिन आगे हम उसको कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, कैसे फेस करेंगे, ये हमारा फ्री विल होता है। तो हमारा फ्री विल प्लस डेस्टिनी दोनों हमारे लाइफ पे वर्क करते हैं। हमारे कुछ कर्मों का फल हमें तुरंत मिलता है, जैसे हमने देखा राई के बीज की तरह, और कुछ कर्मों का फल हमें डिले होके मिलता है, जैसे नारियल के पेड़ की तरह। अगर हमें गलती से आग में हाथ डाल दिया तो क्या होगा, आग हमारे लिए वेट नहीं करेगा, वो हमको तुरंत जला देगा। यानी ये तुरंत मिलने वाला कर्म का फल है। ये नहीं सोचेगा कि चलो अब इसने मेरे में हाथ डाला तो मैं अभी इसको 20 साल के बाद इसका हाथ जलाऊंगा, अग्नि ऐसे नहीं सोचेगा। तो ये इंस्टेंट फल मिलता है, वैसे ही कुछ कर्मों का फल हमें डिले होके मिलेगा। जैसे कुछ जन्म भी लग जाते हैं धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों की तरह, और उसके के मर गए, वो जो हमने अभी स्टोरी सुनी, तो हम सोचेंगे कि चलो हमने 4 पाप कर दिए, ये तो अच्छा है, हमने अब हम इसको माइनस कर लेते हैं, हम 4 पुण्य कर लेते हैं। तो नॉर्मली हम देखते हैं लोग यही करते हैं कि वो क्या करते हैं, कुछ गलत काम कर देते हैं, फिर घर में बुलाते हैं पंडित को और पूजा हवन करते हैं या व्रत उपवास रख लेते हैं, और सोचते हैं कि हमने जो पहले पाप करके पैसे धन धन वगैरह कमाए हैं, तो अब चलो हम ये सब पूजा पाठ वगैरह करके इसको यूटिलाइज कर देते हैं। बट एक्चुअली में लॉ ऑफ कर्मा पे ये वर्क नहीं करता है। अगर हमने 4 पाप किए हैं और 5 पुण्य किए हैं, तो पहले जिस जो पहले किया है वो पहले मिलेगा। यानी अगर हमने 4 पाप पहले किए तो हमें वो 4 पापों का फल मिलेगा, उसके बाद जो 5 पुण्य किए हैं उस 5 पुण्य का भी फल मिलेगा, पुण्य का भी फल मिलेगा, पाप का भी फल मिलेगा, वो प्लस और माइनस नहीं होगा, मैथमेटिक्स यहाँ पे नहीं चलेगा। अभी हम इस पाप और पुण्य को कैसे नलीफाई कर सकते हैं, इसको कैसे हम बच सकते हैं, क्योंकि हम गुड कर्म करते हैं तो भी हम फंस जाते हैं, हम बैड कर्म करते हैं, हम बुरे कर्म करते हैं तो भी हम फंस जाते हैं। मतलब हमारा अंत मिलता है कहाँ है, हमें लड़की मिल रहा है, चाहे हम अच्छे कर्म करें तो भी नर्क मिल रहा है, चाहे हम बुरे कर्म करें तो भी नर्क मिल रहा है। तो अब इसमें से बचने का क्या उपाय है, तो हम एक से एक स्टोरी सुनते हैं, उसके बाद हम समझ जाएंगे कि हमें क्या कर सकते हैं जिससे हम अच्छे और बुरे कर्म दोनों से ऊपर उठ सकते हैं। जैसे हम देखते हैं एक स्टोरी है कि एक व्यक्ति था, तो वो एक वेश्या से मिलने जा रहा था, एक प्रोस्टिट्यूट से मिलने जा रहा था, फूलों का गजरा लेके जा रहा था उससे मिलने के लिए। तो क्या हुआ, रास्ते में अचानक बादल पड़ गया, वो नदी किनारे में ही था और वहां पे बादल फट गया, जोर से बरसात होनी शुरू हो गई और नदी में बाढ़ आ गई। अब वो बहने लग गया, बहते बहते वहां पे एक छोटा सा मंदिर था, उसमें से भगवान जी का एक फोटो फ्रेम भी बहते बहते उसके सामने से जा रहा था। अब ये आदमी मरता क्या ना करता, वो मरने वाला था, वो उसको समझ नहीं आ रहा था, उसके हाथ में गजरा था, उसने क्या किया, सामने भगवान की फोटो फ्रेम उसके सामने से बहते हुए जा रही थी, उसने उस फोटो फ्रेम पे वो गजरा डालते हुए बोला ओम गोविंदाय नमः, और वो बोलकर वहां पे मर गया। तो
अंत समय में उसने क्या बोला, ओम गोविंदाय नमः, ऐसा बोलकर वो फूल का जो गजरा वो वैश्या के लिए लेके जा रहा था वो भगवान के फोटो पे डाल के वहां पे उसकी मृत्यु हो गई। अब यमदूत आ गए उसको ले जाने के लिए। वो था तो गलत आदमी, क्योंकि वो वैश्या से मिलने जा रहा था, गलत काम कर रहा था, तो ऑब्वियसली उसने पूरी जिंदगी गलत काम ही किया है। ये जो चार पाप है वो एक दूसरे से इतने रिलेटेड होते हैं कि आदमी एक करता है तो बाय वन गेट थ्री फ्री हो जाता है। जैसे कोई मीट ईटिंग करता है तो ऑब्वियसली उसका पूरा कॉन्शियसनेस खराब हो जाता है, गंदा हो जाता है, फिर वो रूल्स और रेगुलेशन को नहीं मानता, फिर वो गलत इलिसिट सेक्स में जाता है, और फिर उसको सुख करने के लिए, उसको भोगने के लिए वो गलत तरीके से गैम्बलिंग करके पैसे कमाता है, और फिर उसी में खुद, और उसको जब पैसे उसको नहीं मिलते उस स्ट्रेस में वो नशा करता है। तो ये जो चार पाप है ये एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है कि बाय वन गेट फ्री वाला स्टाइल में हो जाता है। तो ये इंसान बहुत बुरा था, इसके पास इसने कुछ अच्छा नहीं किया था। तो यमदूत ने उसको यमराज के पास लेकर गए उस व्यक्ति को, तब उसको ले जाकर उसका पूरा लेखा जोखा दिखाया, बोला कि ये तो बहुत ही गंदा इंसान है, इसने पूरे जिंदगी बुरे कर्म किए। तो क्या फैसला हुआ कि उसको 25,000 साल तक उसको नरक भोगना होगा, क्योंकि उसने इतने ज्यादा बुरे कर्म किए थे, और उसने जो अच्छे कर्म किए थे उसके लिए उसे एक महीना स्वर्ग भी रहने को मिल गया। तो अब ये इंसान सोच रहा है कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया जिसके कारण मुझे स्वर्ग मिल रहा है, मैंने तो मतलब उसने तो कुछ खास किया नहीं था, पूरी जिंदगी गलत ही काम कर रहा था, उसको 25,000 साल नरक में रहने का भी परिणाम मिल गया है। तो वो पूछता है कि मैंने ऐसा कौन सा अच्छा कर्म किया था। तो यमराज ने बताया कि लास्ट बार जब तुमने डूबते हुए मरते हुए बोला था ओम गोविंदाय नमः और बोलकर भगवान के फोटो पर जो फूल चढ़ाए थे, इस वजह से तुम्हें एक महीने तक स्वर्ग में रहने का फल मिल रहा है। अब तुम बताओ तुम्हें क्या पहले चाहिए, नर्क चाहिए या स्वर्ग चाहिए। तो इसने बोला कि चलो नर्क तो मुझे 25,000 साल तक भोगना ही है, तो पहले मैं सुखी हो जाऊं, एक महीना स्वर्ग में रह लेता। तो वो क्या किया, उसको एक महीने स्वर्ग में रहने का उसको सजा मिल गया। अब उसने क्या किया, वहां पर जाकर वहां पे बड़े सुंदर सुंदर बगीचे थे, वहां पे क्या करता था वो उन बगीचों में जा जाके जितने भी सुंदर सुंदर फूल थे उन फूलों को तोड़ता और बोलता ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ऐसे करते करते वो हर फूल तोड़ता और बोलता ओम गोविंदाय नमः। तो ऐसे बोलने से क्या हो रहा था, मानसिक रूप से वो गोविंदा ओम गोविंदा नमः बोलने से वो फूल भगवान जी को अर्पण होते जा रहे थे। जिसके बाद एक महीने के बाद जब वो फिर से उसका लेखा झोंका बही खाता उसका यमराज ने देखा तो बोला कि आपके तो सारे बुरे कर्म फिनिश हो गए, जो आपको 25,000 साल तक आपको नर्क भोगना था उसने वो सब एक महीने में खत्म कर दिया। क्या बोलकर, ओम गोविंदा नमः, ओम गोविंदा नमः। इसलिए भगवान जी जो है वो लॉ के ऊपर है, जैसे प्रेसिडेंट होता है वो हमारे, अगर कोई मरने वाला हो तो प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार है कि वो उसको मरने से बचा सके। तो इसी तरह भगवान जी जो है वो हर कर्म के लॉ से ऊपर होते हैं और वही है जो हमारी सजा को कम कर सकते हैं। इसलिए हमें हम अपने कर्म को कैसे कट कर सकते हैं, हम अकर्म करके। अकर्म क्या होता है, जब हम कोई भी कर्म भगवान के लिए करते हैं, मतलब हम लोग को अपने लिए कुछ नहीं करना है, जब हम वही कर्म जो रोजमर्रा के कर्म हम जो कर रहे हैं उसको हम जब भगवान को अर्पित करना शुरू कर देते हैं, हम भगवान के लिए करना शुरू कर देते हैं तो वो अकर्म होता है। यानी कि हमें ना गुड कर्म करना है, ना हमें बैड कर्म करना है, ना हमें अच्छा कर्म करना है, ना वीक कर्म करना है, वीक कर्म यानी बैड कर्म। तो जब हम ना अच्छा कर्म करेंगे ना विकर्म करेंगे, हम क्या करेंगे, हम अकर्म करेंगे, निष्काम कर्म, इसको निष्काम कर्म भी बोलते हैं अकर्म को। यानी जब हम अपना सब कर्म भगवान के लिए करते हैं तो वो कर्म हो जाता है अकर्म। यानी हमें जो हम जो कर रहे हैं वही करना है, हमें भगवान का नाम लेना है, हमें भगवान को भोग लगा के वो प्रसाद पाना है। यानी खाना तो हम रोज बनाते हैं,
कौन सा हम नहीं बना रहे, खाना हमें रोज बनाना ही है, हम नहीं बनाए तो कैसे चलेगा। तो हम खाना बनाए लेकिन अपने लिए ना बनाए, हम भगवान जी को भोग लगाए, भगवान के लिए बनाए और उसका प्रसाद पाले। हम रोज ऑफिस तो जाते हैं तो हम ये सोचकर काम करें कि इससे जो लक्ष्मी आएगी उससे हम भगवान की सेवा करेंगे। मतलब हम लोग घर में भी करते हैं, जैसे हम कपड़े तो खरीदते हैं, हम थोड़े कपड़े भगवान के लिए खरीद ले तो हमारा वस्त्र भी शुद्ध हो जाता है। हम जब लक्ष्मी भगवान की सेवा में लगा देते हैं तो हमारी लक्ष्मी शुद्ध हो जाती है। तो ये ऑटोमेटिकली हम अकर्म करते हैं। जैसे कोई कंप्यूटर पर टाइपिंग कर रहा है, उसने पूरे दिन वो टाइपिंग जॉब किया, लेकिन हमने उसको जाके बोल दिया कि ये मेरे पास भगवद गीता के नोट्स हैं, आप इसको थोड़ा टाइप कर दे, तो एक घंटा उसने क्या किया, भगवद गीता के नोट्स टाइप किए। तो वो जो एक घंटा उसने भगवद गीता के नोट्स टाइप किए वो उसको अकर्म हो गया, उसके लिए उसको कोई रिएक्शन नहीं भोगना होगा, क्योंकि उसने वो कर्म भगवान के लिए किया। जब हम भगवान के लिए कर्म करते हैं ना तो हमें अच्छे रिएक्शन भोगने होते हैं ना हमें बुरे रिएक्शन भोगने होते हैं। हमारा कर्म का बंधन भगवान के लिए करते वक्त रुक जाता है, उसका कोई फल नहीं होता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हमें 16 माला जप करना चाहिए। क्यों जप करना चाहिए? जब हम 16 माला, जिस मोमेंट से हम 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, हमारे कर्म वहां पे रुक जाते हैं, हम और कर्म नहीं बनाते। तो इसलिए हम बोलते हैं कि 16 माला जप करना चाहिए। भगवद गीता में एक श्लोक है, कर्मणो यापि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा अकर्मणश्च बोधव्यम गहनो कर्मणो गति। यहाँ से बताया गया है कि कर्म है, विकर्म है, कर्म यानी अच्छे कर्म हमें वो नहीं करने हैं, विकर्म यानी बुरे कर्म हमें वो भी वर्जित है, वो भी नहीं करने, हमें क्या करना है, अकर्म करना है, निष्काम कर्म करना है, भगवान के लिए कर्म करना है। तो अब हम देख लेते हैं कि प्रारब्ध हमें क्यों भोगने पड़ते हैं। जैसे हम कभी कभी क्या होता है, हम बहुत थक जाते हैं, हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, हम एस्ट्रोलॉजर के पास भागने शुरू कर देते हैं। एस्ट्रोलॉजी हमारे कर्मों को चेंज कर सकती है? नहीं कर सकती। हम लोग बहुत उम्मीद लेके जाते हैं कि ये ज्योतिष हमारा पूरा भविष्य बदल देगा। तो ज्योतिषी क्या है, जैसे एक पीडीएफ फाइल होता है उसमें हम लोग चेंज नहीं कर पाते, हम उसको रीड कर सकते हैं लेकिन हम उसको चेंज नहीं कर सकते। एग्जैक्टली सेम चीज एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजर हमारी पूरे जो भी पास्ट है, प्रेजेंट है, उसको रीड कर सकता है, उसको कभी चेंज नहीं कर सकता। वो बोलेगा कि आप नीलम की अंगूठी पहन लो या रुबी धारण कर लो, ऐसे करने से आपके कर्म रुक जाए। वो कर्म को डिले करता है, वो वहां पे कुछ देर के लिए वो कर्म रुक जाते हैं, लेकिन बिकॉज उतना पीरियड वो कर्म रुक गया है, बाद में वो और इम्पैक्ट के साथ वापस आते हैं, वो बुरे कर्म और भी ज्यादा मल्टीप्लाई होकर आते हैं क्योंकि उस पर इंटरेस्ट लग चुका है। तो जब हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो हमारा कर्म चेंज नहीं होता, उसके जो भी युक्ति उपाय जो बताता है उसके कारण कुछ देर के लिए कर्म डिले हो जाता है, उसका फल डिले होके मिलता है लेकिन बहुत ज्यादा इंपैक्ट के साथ मिलता है क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो जाता है। इसलिए हमें प्रारब्ध कर्म भोगना ही होता है। हम जो 84 लाख योनियों में से गुजर के आए हैं और उसके बाद जो हमें एक अच्छा कॉन्शियसनेस मिला है, एक अच्छा ह्यूमन बर्थ मिला है, उसके कारण हम अपने कर्म को रोक सकते हैं। हम इस मटेरियल वर्ल्ड से, जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकते हैं। जो हमने श्लोक किया है हमारे ग्रुप में भी कि जला जो नव लक्षानी श्रावण लक्ष विंशति, तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन था कि 84 लाख पीसेस क्या है। इसमें से होने के बाद जब हमें ह्यूमन बॉडी मिलती है तो हमें ये चक्र को रोकना है, और इसे रोकने के लिए हमें ना अच्छे कर्म करने हैं ना हमें बुरे कर्म करने हैं। हमें क्या करना है, हमें अकर्म करना है, हमें भगवान के लिए कर्म करना है। जैसे ही हमारा कोई कर्म भगवान के लिए हो जाता है वो हमें कर्म वहां उसी मोमेंट पे हमारा कर्म रुक जाता है। और इसको सबसे अच्छी तरह रोकने का उपाय ये है कि हम नाम जप करें, हम भगवद गीता पढ़े, उसके श्लोक पढ़े। भगवद गीता पढ़ते समय हमेशा याद रखना कि आप लोगों को श्लोक भी जरूर पढ़ना है, चाहे भागवतम पढ़ो चाहे भगवद गीता पढ़ो, पर श्लोक जरूर पढ़ना क्योंकि श्लोक बहुत पावर है, वो भगवान के मुख से निकले हैं। इवन भागवतम जो है, श्रीमद् भागवतम, वो वेद व्यास जी ने बोला है, बिकॉज वेद व्यास जी सत्यवेश अवतार है कृष्ण भगवान के,
जो उन्होंने बोला है वो भी कृष्ण और उन श्लोकों में कोई अंतर नहीं, भगवद गीता के श्लोक और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। इसलिए जब हम हमारे ग्रुप में श्लोक बोलते हैं तब हम अपने लिए भी हम अकर्म कर रहे हैं, यानी वो पल वो समय हम कर्म को रोक रहे हैं, और जो हमने बहुत जन्मों से पाप किए हैं वो सिंपल रिएक्शंस को भी हम कट ऑफ कर रहे हैं। जैसे हमने अभी उस कथा में सुना कि ओम गोविंदाय नमः बोलने से उसके 25,000 साल तक जो वो भोगने वाला था वो कट ऑफ हो गया। इसी तरह अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा होता है, हमारे बुरे कर्मों का फल क्यों मिल जाता है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे गांव होते हैं, गांव में खेती होती है, तो खेती होने के बाद वहां पे एक बड़ा सा कंटेनर होता है जिसमें अनाज को डाला जाता है। तो पहले जो अनाज होगा वहां पे नीचे में एक बना हुआ होता है जहां से अनाज निकाल सकते हैं। तो कंटेनर में अच्छा पहले का बुरा खराब अनाज हुआ तो उसको भर दिया, फिर नेक्स्ट खेती में तो उसमें अच्छा अनाज हुआ तो वो भर दिया। तो क्या होता है, अभी तो हमने अच्छा अनाज भरा है लेकिन आएगा क्या, क्योंकि नीचे में जो पहले बुरा जो खराब खेती हुई थी जिसके कारण अनाज थोड़ा खराब खराब सा था, जब वो कंटेनर खुलेगा तो नीचे से पहले निकलेगा, यानी जो पहले बुरा हुआ था वो निकलेगा। तो इसी तरह हमने अभी मान लो हमने अभी अच्छा कर दिया लेकिन क्या हो रहा है, क्योंकि हमने पहले जो बुरा किया था वो हमें पहले मिलेगा, और जो अच्छा किया है वो थोड़ा बाद में मिलेगा, डिले होकर मिलेगा। तो इसलिए हमारे साथ ऐसा होता है कि हम अभी अच्छा भी कर रहे होते हैं तो हम ये फील करने लगते हैं कि हमें फिर बुरा क्यों हो रहा है। तो भगवान हमें हर सिचुएशन को फेस करने की शक्ति भी देते हैं। अगर जो हमारा प्रारब्ध है उसे तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन प्रारब्ध को हम हरि नाम से उसके इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। जैसे वासुदेव परायणा, यानी जब हम भगवान कृष्ण की शरण लेते हैं तो हम अपने जो इम्पैक्ट है जो इंटेंसिटी होती है उसको हम कम कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल हम लोग हमेशा देते हैं, जैसे आपको किसी बड़े तलवार से हर्ट होना था, या तो किसी कोई आपको नाइफ से चाकू से गोदने वाला था, मारने वाला था, लेकिन क्या हुआ, आप क्योंकि आप हरि नाम कर रहे थे, आप भगवद गीता के श्लोक पढ़ रहे थे, आपने ऐसे अच्छे कर्म किए जिसके वजह से क्या हो गया, आप भक्ति में आ गए, इससे क्या हो गया, आपको जो चाकू लगने वाली थी या जो तलवार लगने वाली थी उसके बदले आपको कुछ चोट लग गया और आपको डॉक्टर की इंजेक्शन लग गई। तो प्रारब्ध वही रहा, आपको किसी वेपन से या किसी मेटल से आपको हर्ट होना था, लेकिन आपका इंटेंसिटी कैसे कम हो गया, हरि नाम से आपका इंटेंसिटी कम हो गया, आपको जो तलवार लगने वाला था उसकी जगह क्या लगता है, डॉक्टर का इंजेक्शन लगता है। तो इस तरह हम जब अकर्म करते हैं, निष्काम कर्म करते हैं, भगवान जी के लिए कर्म करते हैं, तो जो हमारा प्रारब्ध है वो भी चेंज हो जाता है, वो उसका क्योंकि प्रारब्ध पूरी तरह खत्म नहीं होता तो वो इतना इंटेंसिटी खत्म हो जाता है उसका कि मतलब वो हो या ना हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, वो उस इंटेंसिटी के साथ हमारे साथ नहीं होता वो सब कुछ जो हमारे साथ पहले होने वाला था। इसलिए जब हम ये समझ लेते हैं कि हम ये शरीर नहीं हम आत्मा हैं, तो हमारा जो बुरे कर्म करने की जो इंटेंसिटी है वो कम होने लगती है, हमें अंडरस्टैंड होने लगता है कि ये हम जो गलत करेंगे तो वो हमारे साथ गलत होगा और हम ये शरीर नहीं है, तब हमें रियलाइज होता है कि हम किसी का अंश है, भगवान का अंश है और हमें उनके पास लौटना है। तो ये जो हमारा लॉ ऑफ कर्म है ये तो इसको रोकने का बस एक ही उपाय है, वो क्या है, केचित केवलय भक्त्या, इट इज ओनली बाय भक्ति, सिर्फ भक्ति है जो हमारे कर्मों को खत्म भी कर सकती है, वो हमारे पास्ट लाइफ के सारे कर्मों को खत्म करती है और जो इस जन्म में हम प्रारब्ध भोग रहे हैं उसकी इंटेंसिटी को खत्म कर देती है, यानी वो उसको इतना कम कर देती है कि हमें उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तो भगवान हमें इतना हमारे सपोर्ट में आ जाते हैं कि वो हमारे सारे कर्मों को कम करने लगते हैं। जैसे
अपरारम्भ फलम पापम कूटम निजम फलम मुखम क्रमे नैव प्रलीनेता विष्णु भक्ति रतास्मानम। जो विष्णु का नाम रटता है, जो भगवान कृष्ण का नाम जपता है, उसके साथ उसका जो प्रारब्ध फल है, उसका रिएक्शन, यानी जैसे अब कोई बच्चा है, उसने जन्म लिया, तो ये हम खुद नहीं डिसाइड कर पाते कि हमें कैसा बॉडी मिलने वाला है। हम रोगी होकर भी पैदा हो सकते हैं, हम ऑटिस्टिक होकर भी पैदा हो सकते हैं, हम बहुत सुंदर होकर भी पैदा हो सकते हैं, हम काले हो सकते हैं, हम गोरे हो सकते हैं, हम अपाहिज भी हो सकते हैं। तो ये जो ये होता है, ये क्यों होता है? ये होता है हमारा प्रारब्ध। जो जैसे ही हम जन्म लेते हैं, गर्भगण यानी जन्म लेते ही शुरू हो जाता है प्रारब्ध। ये हमारा कार्मिक रिएक्शन होता है प्रारब्ध। उसके बाद होता है बीज, यानी इस श्लोक में बोला है कि अप्रारब्ध या अप्रारब्ध होता है जो पिछले जन्म में पाप किए हैं, वो प्रारब्ध होता है जो जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है। फिर उसका फल कुटम क्या आता है? कुटम यानी जो डिजायर्स हैं, जो हमें अभी अनमैनिफेस्ट हैं। कुटम यानी हमने हमारे मन में कुछ इच्छाएं हैं गलत करने की, लेकिन हमने अभी उसको किया नहीं है, तो ये भी नष्ट हो जाता है हरि नाम जपने से। फलन मुखा यानी अभी हमारा हमने अभी 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 वो फल मिलने वाला है, हम ये भी नष्ट हो जाता है जब हरि नाम जपते हैं। अगर कोई फल बीज के रूप में है, वो भी नष्ट हो जाता है जब हम हरि नाम जपते हैं। तो इस श्लोक का मतलब यही है कि जो अप्रारब्ध है, जो मिलने वाला है, जो पिछले जन्म में हमने किया है, जो फलम जो पाप फल के रूप में है, फलोन्मुखम जो बीज के रूप में है, और जो कुटम है, कुटम यानी जो हमने अभी किया नहीं है, पाल खाली हमने सोच रखा है कि हम ये करेंगे गलत काम, वो भी खत्म हो जाता है जब हम हरि का नाम जपते हैं। तो इस तरह हम अब हमें क्या करना है, ये आप लोग अच्छे से समझिए कि हमें ना अच्छे कर्म करने हैं, हमें ना बुरे कर्म करने हैं, हमें भगवान के लिए कर्म करना है। हम जो भी करते हैं वो कृष्ण के लिए करते हैं। हम लोग रोज खाना खाते हैं, हम लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अगर हम वही सब कुछ भगवान के लिए भी करें तो हमारा जो हम जो अपने ऊपर खर्च करें वो शुद्ध होता जाता है, वो प्योर होता जाता है। जैसे हम नई नई वस्तु लाते हैं तो वो भगवान जी को ऑफर करके जब हम यूज करते हैं तो वो भगवान का प्रसाद हो जाता है। हमने चार चीज नहीं करनी है, जो फोर पिलर्स हैं, क्या है? गैम्बलिंग, ड्रिंकिंग, प्रोस्टिट्यूशन, एनिमल स्लॉटर। यहाँ पर कलयुग में, यहाँ पर कलयुग का वास होता है। ये श्लोक आता है श्रीमद भागवतम में, ज्यूतम पानम श्रिया सुना यत्र धर्मास चतुर्विधा, यानी जो कलयुग है ये चार स्थान पर वास कर रहा है। ज्यूतम पानम श्रिया सुना, सुना यानी जहाँ पे एनिमल स्लॉटर होता है, जहाँ पे पशु हत्या होती है उनका मांस खाने के लिए। श्रिया यानी जहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन होता है या गलत रिलेशनशिप, इलिसिट रिलेशनशिप होता है उसको बोलते हैं। पानम यानी नशा और ज्यूतम यानी गैम्बलिंग। तो श्रीमद भागवतम पहले से इन चार चीजों के बारे में बताता है कि इन चार चीजों में कलयुग का वास है। यहाँ ये काम करने से हमें बुरे कर्मों का फल मिलता है। तो जब हम भगवान की भक्ति में आए तो इन चार चीजों को हमें पहले ही अपने जीवन से हटा लेना चाहिए, और हम जो भी करते हैं, जो भी करते हैं उसे कृष्ण के लिए करते हैं, उसे कृष्ण को अर्पण करके करेंगे तो हम अपने कर्म बंधन को वहीं पे स्टॉप कर देंगे। फिर ना तो हम और अच्छे कर्मों का फल मिलेगा, ना तो बुरे कर्मों का फल मिलेगा। बस हमने वहां जिस मोमेंट में हमने स्टॉप कर दिया, वहां से हमारे कर्म बनना बंद हो जाते हैं। तो ये होता है अमेजिंग लॉ ऑफ कर्म, मतलब हम जो भोग रहे हैं वो हमने खुद किया है, इसलिए हम उसे भोग रहे हैं, और हम उसे खत्म भी कर सकते हैं अगर हम हरि का हरि नाम का स्मरण करें, भगवान जी की शरण में जाएं। सो वी एंड अवर लेक्चर हियर। कुछ क्वेश्चंस हैं किसी को पूछ सकते हैं? हरे कृष्णा जी माता जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी। हाँ बोल। अभी हमें अच्छे और बुरे कर्म करना है, उनसे बचना है, तो हम मतलब कृष्ण भावना भावित जो कर्म करेंगे वो कैसे, हम जैसे साइड में जॉब करते हैं तो वो काम करते हुए भगवान को कैसे अर्पित करेंगे? हरे कृष्णा माता जी। हाँ हमने
नोट कीजिए। हाँ, तो आपने ठीक क्वेश्चन पूछा कि हम कैसे रोज के काम के साथ कैसे भगवान को करेंगे। तो भगवान ने अर्जुन को क्या बोला था, जब भगवगी युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में भगवान ने अर्जुन बोला कि आप जो भी रहे हो वो अपने लिए मत करो। वो युद्ध करने गया था, अर्जुन बोलता मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये नुकसान हो जाएगा, क्रिया दूषित हो जाएंगी सब, मैं मतलब वो क्या कर क्या बोलता है भगवान को कि मैं ये सब छोड़ के संन्यास ले लूंगा, मैं ये सब करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, ऐसे बोलता है। तो कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं कि तुम्हें संन्यास नहीं लेना है, यानी भगवान ये हम सबके लिए बोल रहे हैं कि हमें संन्यास नहीं लेना है, हमें सब काम नहीं करना छोड़ना है क्योंकि कर्म बुरे हो रहे हैं। भले ही अर्जुन मार रहा था लेकिन किसके लिए मार रहा था, वो कृष्ण के लिए मार रहा था। कृष्ण ने उसे बोला कि अधर्म अधर्म है और उसको खत्म करना है। तो हम जो भी काम कर रहे हैं, हम अपने ऑफिस जा रहे हैं, तो हम कृष्ण को याद कर सकते हैं, हम उनका नाम ले सकते हैं, बिकॉज वहां पे हम कुछ और नहीं कर सकते। हम उस लोग को कैसे प्योरीफाई करें, हम जो भी काम कर रहे हैं उस वक्त हम इस कॉन्शियसनेस के साथ करें कि हमें हर वक्त कान्हा जी का स्मरण होता रहे, हम हरि नाम करते। ये इतना मुश्किल नहीं है। अर्जुन भी क्या कर रहा था, अर्जुन सबको मार रहा था लेकिन मारते वक्त भी उसका कॉन्शियसनेस क्या था कि मैं ये सब कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। तो आप भी जो ड्यूटी कर रहे हैं वो करते वक्त ये सोचिए कि मैं ये कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। अगर जब आपका सैलरी आएगा, जब आपकी इनकम होगी, तब आप उससे कृष्ण के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे ना। तो आप ये सोचकर ड्यूटी कीजिए, ये सोचकर जॉब कीजिए कि मैं ये जॉब के लिए कर रहा हूँ। और जब आपका कॉन्शियसनेस ऐसे होगा तो आपको ऑटोमेटिकली हरि नाम आता रहेगा अंदर से कि हरे कृष्णा, ये जॉब अपने आप होता रहेगा आपके अंदर। When you do the work for Krishna, आपको ये consciousness करना है कि मैं काम कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं कर रहा। When we think that मैं अपने लिए नहीं कर रहा, कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली आपका काम भगवान को डेडिकेट हो जाता है और वो प्रसाद बन जाता है। हरे कृष्णा, क्लियर है? हरे कृष्णा माता जी, जी माता जी, हरे कृष्णा, खुद को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी। हाँ जी बोलो। हरे कृष्णा दीदी। दीदी, हाँ दीदी, बहुत सुंदर क्लास आज के, बहुत अच्छा लगा सुन के। और दीदी आपने जो बोला, जो चॉकलेट है, जो ओनेसा की चीज है, तो बहुत सारे को देखा है जो लड्डू गोपाल होती है तो उसको सुबह में देती है, तो ठीक है? नहीं, वो जो चॉकलेट है वो नहीं, कोको होता है ना उसमें, वो कोको वाला चॉकलेट नहीं खाना है, ऑफर नहीं करना है भगवान को, क्योंकि वो भी एक तरह का नशा है, उससे भी माइल नशा होता है। शिला प्रभुपाद मना किए हैं यूज करने को खाने के लिए, लेकिन बहुत सारे को देखा है ना, वो करते हैं, लेकिन तो ठीक नहीं है ना। ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। और दी जो, हाँ बोलो, যারা ষোলোমালা করে আর এমনি কাজ করতে করতে সারাক্ষণ আস্তে আস্তে ধীরে ধীরেই সারাক্ষণ হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করে, কিন্তু আমি একজনকে দেখেছি তাদের বাড়ির লোক তাদেরকে পাগল ভেবে পাগল ডাক্তারখানে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছে, এটা কি ঠিক দিদি? হ্যাঁ ঠিক হ্যাঁ, আমি ষোলোমালা তো জপ মালা পে হাম করতে হ্যায় ষোলোমালা, উসকে বাদ জব হাম ঘর কা কোই ভি কাম করতে হ্যায় তব ভি হাম হরি নাম বল বল কে করতে হ্যায়। तो वो बिकॉज जब हम लोग चलते भी हैं जमीन पर तो हम कितने सारे कीड़े चींटी उसका हत्या कर रहे होते हैं, हमारे पैरों के नीचे वो लोग आ रहे होते हैं, इसलिए इसलिए बोलते हैं कि हमें हरि नाम को छोड़ना नहीं चाहिए। बिकॉज हम लोग हर वक्त कर्म कर रहे हैं, हर पल कर्म कर रहे हैं। हाँ दी, तो हाँ কিন্তু ওনার যে বাড়ির লোক তারা বুঝতে পারছে না, তারা ভাবছে হয়তো পাগল হয়ে গেছে, তাদেরকে পাগল ডাক্তারখানে নিয়ে যাওয়ার কথা চিন্তা ভাবনা। আচ্ছা আচ্ছা, বাকি কে লোক বলতে কি আপ পাগল হয়ে গেছো কি আপ হর রোজ হরি নাম কর রহে হো, কোই নাই, বলনে দো বলনে দো, জিসকো জো বলনা হ্যায় বলনে দো, হরি সব দেখ রহে হ্যায়, উনকো পতা হ্যায়, আপকো পতা হ্যায় কি পাগল কন হ্যায়। Don't think about other people. अपना focus कृष्णा पे रखो। जैसे अर्जुन ने अपना focus कृष्णा की बात पर रखा कि मुझे कृष्णा के लिए सबको मारना है, तो you focus on कृष्णा।
लेट इट बी, दुनिया क्या बोलती है बोलने दो, भगवान उनको देखेंगे। यू हैव टू ट्रस्ट कृष्णा, भगवान जरूर देखते हैं, पक्का देखते हैं। हाँ दी, हरे कृष्णा दी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत। एनीवन एल्स, किसी को कोई भी डाउट है जो मैंने अभी बोला, शायद मैंने ठीक से नहीं बोला होगा, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग एंड करते हैं। आपको कभी भी डाउट फील हो एनी टाइम, आप मुझे मैसेज करके पूछ लेना। ओके, हरे कृष्णा, पांच धन्यवाद। वांछा कर्तृभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद, प्रणाम सभी को। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। धन्यवाद, धन्यवाद। हरे कृष्णा, एनी टाइम आप लोग कभी भी मुझसे सोच सकते हो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।